हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, आप सभी ने आंसर की देख ली है और आंसर की देखने के बाद जो है सभी के अंक जो हैं कम हुए हैं। कुछ ही बच्चे होंगे जिनके एक दो मार्क्स जो हैं वो बढ़े होंगे, बाकी तो मैक्सिमम बच्चों के कम ही हुए हैं। अब देखिए, बोर्ड के द्वारा भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ प्रश्न ही गलत हैं जिनके आंसर जो हैं वो बोर्ड ने दिए हैं। यहाँ पर जो बच्चे आपत्ति लगाएंगे, बिल्कुल आप लोगों के पास ऑथेंटिक सोर्स है, बुक्स हैं, एनसीईआरटी, आरबीएससी। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो भी कोर्स करवाती हूँ तो वो कोर्स जो है वो आपका एनसीईआरटी, आरबीएससी आधारित तो होता है। इसके अलावा कोई भी बुक जो है उसका सहारा मैं नहीं लेती हूँ, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर लेवल 1 में एक प्रश्न है जिसके बारे में जो है अधिकतर बच्चे जो है वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि एक जो प्रश्न है, देखिए, विसल देव रासो का, ठीक है, किरण भातरो काव्य है, ये एक प्रश्न था। तो बच्चे जो हैं इसमें वीर काव्य लिख रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल मैंने आप लोगों को कोर्स के माध्यम से करवाया है, यूट्यूब पर भी मैंने आप लोगों को करवाया है, राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए वो पेज जो है दिखाती हूँ, और इस पीडीएफ में आप देखिए, नरपति नालेह जो है इन्होंने विसल देव रासो ग्रंथ की रचना की, ठीक है। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विसल देव और राजमती की जो है प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ गया है, जो बच्चे वीर काव्य जो है कह रहे हैं कि बोर्ड ने गलत आंसर दिया है, नहीं, आंसर जो है वो प्रेम काव्य ही होगा। और मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी लिखा गया है वो सब आरबीएससी एनसीईआरटी आधारित नोट्स हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इस पर जो है वो आप आपत्ति ना लगाएं, क्योंकि आपके 100 रुपये भी जो है वो वेस्ट चले जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा लेवल वन में ही एक प्रश्न है, जो प्रश्न डिलीट होंगे तो देखिए उसका फायदा सभी बच्चों को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक को मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है, वहाँ पर आपत्ति तो मैं खुद ही लगवा दूंगी, ठीक है, वहां पर मैं खुद ही आपत्ति लगाऊंगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, लेवल 1 जो है, यहाँ पर एक प्रश्न है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य, जो प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, जिनकी पूरी संभावना है डिलीट होने की और सभी बच्चों को उसका फायदा होगा, रेल का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर भारत रेल मंत्रालय की अगर आप साइट पर जाकर देखोगे तो इस क्वेश्चन के जो हैं दो ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, उसमें से दो ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो बोर्ड के द्वारा जो है सेकंड ऑप्शन जो है उसको सही माना गया है, जबकि उस प्रश्न के वहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो रही हैं। तो ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रश्न है कंवर सेन वाला, जो राजस्थान में नहर शुरू की गई थी, वो तो बिल्कुल सही हो गया है, 1948, ठीक है। उसके अलावा डिलीट कौन सा हो सकता है, एक और डिलीट हो सकता है कि राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका जो क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो निशानेबाज आएगा, बोर्ड के द्वारा जो है वो उस आंसर को गलत किया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है वो आपका बिल्कुल डिलीट होगा। पहली बात तो यहाँ पर किसी भी तरीके से सन नहीं पूछी गई है, ठीक है। और यदि इस तरीके से प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो निशानेबाजी इसका जो है सही उत्तर होगा। तो ये जो 2 प्रश्न हैं इनको आप ध्यान में रखें कि ये प्रश्न तो आपके डिलीट होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेवल 2 की, तो यहां पर एक जो प्रश्न डिलीट होगा वो वप्पा रावल वाला डिलीट होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर 18वीं शताब्दी जो है दिया गया है, ठीक है, तो ये डिलीट होगा। यदि वहां पर जो है एकलिंग जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण की बात होती तो वो प्रश्न सही हो जाता, लेकिन ऐसा उसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिया गया है।
तो इसलिए जो है बप्पा रावल का 18वीं शताब्दी से लिंक नहीं बैठता है, तो इसलिए ये प्रश्न जो है वो आपका हो जाएगा डिलीट। तो इस पर जो है वो आपको जो है आपत्ति लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे प्रश्न जो कि डिलीट ही होंगे और जिन पर मैं लगा सकती हूँ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, उन पर तो मैं लगाऊंगी ही। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं ज्योग्राफी में, अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो कि हरमट्टन जो है, हरमट्टन पवन जो है, जिसको हम डॉक्टर पवन कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, हरमट्टन को। लेकिन प्रश्न में प्रश्न जो है आपके क्या पूछा गया है, खमसिन पवन, ठीक है, तो वहां पर प्रश्न ही गलत है, इसलिए ये प्रश्न जो है वो भी हो जाएगा डिलीट। तो मैंने आपको लेवल 2 में और लेवल 1 में, दोनों में ही दो दो प्रश्न बताए हैं जिनके डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है, और इन 4 प्रश्नों का सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। देखिए, जब तक कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है तब तक आप आपत्ति नहीं लगा सकते हैं। बोर्ड जो है उस बात को तभी मानेगा जब आप उसके पास जो है वो प्रूफ लेकर जाओगे। इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी प्रश्न में ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न जो है इस बुक में बिल्कुल सही दिया हुआ है, तब आप उस पर आपत्ति लगा सकते हो। ये प्रश्न तो डिलीट ही होंगे। और विसल देवरासो वाला जो है वो बिल्कुल सही है, उस पर आप आपत्ति ना लगाएं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।